आज के वीडियो में बात करेंगे बिहार में जो है 3 से 4 जो है न्यू वैकेंसियां आई हैं, काफी अच्छी वैकेंसियां हैं। इसी के बारे में डिटेल्स आपको जानकारी बताएंगे कि बिहार में फिलहाल जो है नई वैकेंसियां कौन कौन सी आई हैं। ये आपको 14 फरवरी 2024 की न्यू वैकेंसियां हैं, इसी के बारे में डिटेल जानकारी आपको बताएंगे। देखिए, अगर आपको न्यू वैकेंसियों की जानकारी चाहिए तो आप सिंपली जो है गूगल में टाइप करिएगा newjobupdate.co.in। आप इस वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जो है जो भी वैकेंसी आएंगी उसकी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। देखिए, पहली जो वैकेंसी आई है वो है बिहार आंगनबाड़ी में जो है सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है, और दूसरी जो है बिहार बीपीएससी टीचर की जो सिलेबस है यहाँ पे जो है जारी कर दी गई है। इसको आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। और बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीपल पोस्टों की जो है वैकेंसी आई है। उसके बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस की जो है एग्जामिनेशन की जो है फॉर्म आई है। उसके बाद कोल फील्ड लिमिटेड में जो है ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस की भी रिक्वायरमेंट आई है। उसके बाद ऑर्डेंस फैक्ट्री कमरिया में जो है यहाँ पे वर्कर बिल्डिंग वर्कर की रिक्वायरमेंट आई है। इसके लिए सिंपली आपको मैट्रिक पास आउट होनी चाहिए, ऑफलाइन फॉर्म जो है फिल हो रही है। उसी तरह से यहाँ पे एपीएससीटी में जो है लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है। इंडियन आर्मी में जो है वुमेन मिलिट्री फोर्स की रिक्वायरमेंट आई है। उसी तरह से झारखंड हाई कोर्ट में असिस्टेंट की वैकेंसी है, और डीएसएसबी के तहत जो है मल्टीपल पोस्टों की रिक्वायरमेंट है, और एचपीपीएससी में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भी रिक्वायरमेंट आई है। साथ ही साथ हरियाणा पुलिस की भी वैकेंसियाँ आई हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी ऑलरेडी हमने newjobupdate.co.in के वेबसाइट पर जो है आप जाके विजिट कर सकते हैं, या हमारी दूसरी जो जॉब चैनल है न्यू जॉब अपडेट उस पे जाके वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए हम शॉर्ट डिटेल्स आपको बता देते हैं। देखिए, बिहार आंगनबाड़ी की जो वैकेंसी आई है इसके लिए जो है आपको 13 फरवरी से आवेदन जो है स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 5 मार्च 2024 रखी गई है। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लग रही है। 18 से 56 साल तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर आप मैट्रिक पास हैं, महिलाएं हैं और 10 साल जो है आंगनबाड़ी सेविका ग्रुप में काम किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 13 पोस्टों की रिक्वायरमेंट आई है। आप जो है बिहार के निवासी होनी चाहिए, उसी प्रखंड की आप महिला होनी चाहिए, और आपको 10 वर्ष का कार्य अनुभव जो है आंगनबाड़ी के पद पे होनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगी। यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है सीट आपको मेंशन की गई है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के बेसिस पे जो है आपकी सिलेक्शन की जाएंगी। फॉर्म को आपको ऑफलाइन फिल करने होंगे। दूसरी जो वैकेंसी है यहाँ पे देख सकते हैं बिहार बीपीएससी टीचर वैकेंसी सिलेबस है, उसको आप जो है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे 1 to 5 के लिए जो है कितने क्वेश्चन होंगे, टाइम आपको कितनी दी जाएंगी, कौन कौन विषय से क्वेश्चन होंगे, उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। उसी तरह से 6 to 8 के लिए, 9 to 10 के लिए, 11 to 12 के लिए, सभी के लिए जो है यहाँ पे आप सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के लिंक जो है आपको इस तरह से मिल जाएंगी। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार अररिया डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पे मल्टीपल पोस्टों की रिक्वायरमेंट आई है। इसमें देख लेते हैं, इसके लिए आवेदन जो है 9 फरवरी से आवेदन स्टार्ट हो गई है, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 16 मार्च 2024 रखी गई है। कोई भी एप्लीकेशन फी आपको नहीं लग रहे हैं। 18 से 42 साल तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, जेंडर स्पेशलिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ के लिए, लेखा सहायक की रिक्वायरमेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, एमटीएस की रिक्वायरमेंट है, मनोसामाजिक परामर्शी महिला के लिए सीट है, पारा लीगल पर्सन की रिक्वायरमेंट है, पारा मेडिकल पर्सन अंशकालिक की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे रसोईया और बहुउद्देशीय कर्मी की रिक्वायरमेंट है, सुरक्षा प्रहरी रात्रि प्रहरी की रिक्वायरमेंट है, 11 सीटों की रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है, उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो है यहाँ पे वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ हैं। इसको आप ऑफलाइन फॉर्म को फिल कर पाएंगे, उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं और जो वैकेंसियाँ यूपीएससी के कोल फील्ड लिमिटेड के तहत यहाँ पे अप्रेंटिस, इसके लिए ग्रेजुएट और डिप्लोमा डिग्री अगर आप है को है तो कोल फील्ड लिमिटेड के तहत अप्रेंटिस के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डेंस फैक्ट्री के तहत यहाँ पे बिल्डिंग वर्कर की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए सिंपली जो है आपको
जो है मैट्रिक पास आउट होनी चाहिए या अगर आप आईटीआई पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 14 फरवरी से आवेदन स्टार्ट है, 11 मार्च 2024 तक आप आवेदन करेंगे। कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहे हैं। 18 से 35 साल तक फॉर्म को फिल कर पाएंगे। टोटल 161 पोस्टों की रिक्वायरमेंट जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो है वर्कर की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए पेमेंट आपको 19,900 प्लस डीए मिलेंगे। अगर आप मैट्रिक और आईटीआई पास है तो आप बिल्डिंग वर्कर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज सीट जो है मेंशन की गई है। इंटरव्यू बेसिस पे जो है यहाँ पे सिलेक्शन की जाएंगी। आप फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जो वैकेंसियाँ हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अगर आपको किसी तरह का क्यूरी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहिए, चैनल पर पहली बार भेज किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।